मित्रों अपना समाज में बे जातिओ वसवाट करे छे, पण आना सिवाय पण एक जाति समाज में अस्तित्व धरावे छे, पण तेनी हमेशा अवगणना करवामां आवे छे। आ जाति छे किन्नर। आ जातिना लोको विशे तमारा मन में अनेक मूंझवणो हशे। आजना आ वीडियो में तमारी दरेक मूंझवणोनो समाधान करवानो प्रयत्न करीशुं। लोकोना मन में सौथी पहेलो प्रश्न ए आवे छे के किन्नरोनी उत्पत्ति केवी रीते थई। बीजो प्रश्न ए आवे छे के स्त्रीना गर्भ में उछड़तो बाळक किन्नर केवी रीते बनी जाय छे, अने शुं काम स्त्रीना गर्भ में उछड़ता बाळक में स्त्री अने पुरुष बन्नेना गुणों आवी जाय छे। तो आजना आ वीडियो में किन्नरोथी जोड़ायेला दरेक प्रश्नोनी विस्तारपूर्वक बात करीशुं, माटे आजना आ वीडियो ने अंत सुधी जोवा खास विनंती। नमस्कार अने स्वागत छे तमारा बधानो मारा ऑफिशियल चेनल गर्वो गुजरात में। वीडियो चालू करता पहला तमने जणावी दऊं के जो तमे मारा चेनल उपर नवा छो तो आजे ज चेनल ने सब्सक्राइब करो, बाजू में जे बेल आइकॉन घंटड़ीनो निशान आवे छे एने दबावी नाखजो, जेनाथी मारा दरेक वीडियो नी माहिती तमने नोटिफिकेशन ना माध्यम थी मळती रहे। तमे बधाए किन्नर विषय तो सांभळ्युं ज हशे। दरेक व्यक्ति किन्नरोना वास्तविक जीवन विषय जाणवा मांगे छे, तेनी जीवनशैली, तेनुं व्यक्तिगत जीवन वगैरे विषय पण लोको जाणवा मांगे छे, परंतु सौथी मोटी जिज्ञासा ए छे के किन्नरो क्यारे अने केवी रीते उद्भव्या हता अने तेनी पाछळनुं कारण शुं हतुं। तो चालो आपणे आ हकीकतनी विगतवार चर्चा करीए। मित्रों किन्नरोनी उत्पत्तिनुं रहस्य प्राचीन काळ साथे संकळायेलुं छे। हकीकतमां बे प्रकारना किन्नर लोको होय छे, पहला प्रकारना सगपण पुरुषों तरीके ओळखाय छे अने बीजा प्रकारना सगपण पुरुषी तरीके ओळखाय छे। खूब ज जूना समय में ज्यारे प्रजापति कदर्म एक महान शासक हता, तेनी बहादुरी राज्य में प्रख्यात हती। प्रजापति कदर्म ने युवराज इल नामनो एक पुत्र हतो। राजा कदर्म पछी राजा इले राज्य ने सफलता आपी, पाछळथी ते एक महान धार्मिक राजा तरीके प्रख्यात थया। राजा इल ने शिकार करवानो खूब ज शोख हतो। एक दिवस ते पोताना सैनिकों साथे शिकार करवा माटे गाढ़ जंगल में गया। घणा शिकार कर्या पछी पण राजा इलनुं हृदय भरायुं नहीं अने शिकारनी लालच में भटकता भटकता ते एक पर्वत पर आवी पहुंच्या। भगवान शिव अने देवी पार्वती ते पर्वत उपर बिराजमान हता। भगवान शिवे देवी पार्वती ने प्रसन्न करवा माटे स्त्रीनुं रूप लीधुं हतुं, तेथी ते पर्वत परना बधा नर प्राणियों तरत ज मादामां परिवर्तित थई गया हता। राजा इल पण तेज समये एज पर्वत उपर होवाथी तेना सैनिकों साथे ते पण स्त्रीमां फेरवाई गया। राजा इल पोताने एक स्त्री तरीके जोईने उदास थई गया, ज्यारे तेमने खबर पड़ी के आ बधुं भगवान शिवनी इच्छाथी करवामां आव्युं छे तो ते वधु गभराई गया। राजा इल भगवान शिवजीना चरणों में पड़ी गया अने तेमनी विनंती करवा लाग्या के ते फरीथी तेमने पुरुष स्वरूप आपी दे, पण भगवान शिवजीए तेमने पुरुषना रूप सिवाय बीजो कोई वरदान मांगवानी छूट आपी, परंतु राजा इल भगवान शिवजीना निर्णयनी विरुद्ध में जई शक्या नहीं अने तेमने बीजू वरदान लेवानी ना पाड़ी। एना पछी तमाम स्त्री सैनिकों पण देवी पार्वती ने खुश करवा लाग्या। देवी पार्वती राजा इल द्वारा खूब ज प्रभावित थई गया, परंतु ते संपूर्ण पुरुष तत्व आपी सके एमां समर्थ न हता। तेथी देवी पार्वतीए कह्युं के तेमने फक्त अर्धुं पुरुष तत्व आपी शके छे अने मात्र भगवान शिवने ज अर्धुं पुरुष तत्व आपवानो अधिकार छे। राजा इले देवी पासेथी अर्धा पुरुष तत्वनी मांग करी, जेना कारणे ते एक महिला तरीके अने एक महीनो पुरुष तरीके वितावशे एवुं वरदान हतुं। देवी पार्वतीए तथास्तु कहीने कह्युं के तमे एक महीनामां पुरुष तरीके रही जशो अने तमारे स्त्री विषेनुं बधुं भूली जशो, अने ज्यारे तमे एक महीनो स्त्री तरीके रहेशो त्यारे तमारे पुरुष विषेनुं बधुं भूली जवुं पड़शे। राजा इले राजी खुशीथी आ स्वीकार्युं अने एक महीना सुधी ते नर इल तरीके अने एक महीनो स्त्री इला तरीके जीव्या। ते समयथी राजा इलना सैनिकों जे स्त्री स्वरूपे रूपांतरित थया हता कायम माटे स्त्रीओ बनी गया। बाद मां ते चंद्रना पुत्र बुद्धना आश्रम मां पहुंचा। बुद्धजीनी आज्ञाथी तेमने तेज पर्वत पर पोतानो निवास कर्यो अने फक्त तेमना जीवन साथी तरीके पुरुषों ने पसंद कर्या।
किन्नरोना भूतकाळनो संपूर्ण रहस्य वाल्मीकि द्वारा रचित रामायणना उत्तरकांडमां जोई शकाय छे। हवे मित्रों तमने जणावीए, स्त्रीना गर्भमां रहेलो बाळक स्त्री अने पुरुष बंने गुणों साथे केवी रीते जन्मे छे, एटले के स्त्रीना गर्भमां उछड़तो बाळक किन्नर केवी रीते बनी जाय छे। पहला जो आपणे साइंटिफिक दृष्टिकोण थी वात करिए तो गर्भ धरावती स्त्रीना त्रण मास खूब ज नाजुक होय छे। गर्भधारण करवाथी त्रण मास सुधी जो कोई पण स्त्री दवाओना हेवी डोज लई ले तो शरीर में जे होर्मोन्स होय छे तेनी समस्यानो सर्जन थाय छे अने पछी स्त्रीना गर्भमांथी आ जातिनो एटले के किन्नर जातिनो बाळक जन्मवानी संभावना वधी जाय छे। माटे गर्भावस्थाना शरूआती त्रण मास दरमियान स्त्रीओए पोताना शरीरनी खास काळजी लेवी जोईए। हवे जो आध्यात्मिक दृष्टिकोणथी वात करिए तो आ विषयनो उल्लेख गरुड़ पुराणमां करवामां आव्यो छे। आ शास्त्रमां जणाववामां आव्युं छे कि कया कर्मना फल स्वरूपे एक किन्नरनो अवतार प्राप्त थाय छे। जे पुरुष बलात्कार जेवा गुना करे छे तेमनो आवनारो जन्म किन्नरनो होय छे। जे लोको चोरी लूंटफाट बलात्कार अने खून जेवा अपराध करे छे एवा लोकोने आवतो जन्म किन्नरनो ज प्राप्त थाय छे। हवे आना उपर बीजी बाबतोनी चर्चा करिए तो જ્યારે કોઈ પણ બાળક કિન્નર તરીકે જન્મે છે ત્યારે કિન્નર સમાજ દ્વારા આ બાળકનો ભરણ પોષણ કરવામાં આવે છે અને જેમ જેમ તે મોટું થતું જાય છે તેમ તેમ કિન્નરો સાથે જોડાયેલી પ્રથામાં જોડાવવામાં આવે છે। તો મિત્રો આ રહસ્યો હતા કિન્નરના ઉત્પત્તિના। આજના વિડીયોમાં આટલી જ વાત। વિડીયોને આખો જોવા બદલ તમારો આભાર। વિડીયોમાં આપેલ જાણકારી પસંદ આવી હોય તો લાઇક અને શેર જરૂર કરજો અને તમારા સુઝાવ કમેન્ટ કરજો। નવા વિડીયોની માહિતી માટે અમારા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં જે બેલ આઇકોન ઘંટડીનું નિશાન આવે છે એને દબાવી નાખજો જેનાથી અમારા નવા વિડીયોની જાણકારી તમને નોટિફિકેશનના માધ્યમથી મળતી રહે। મિત્રો આવા સારા વિષય ઉપર વિડીયો બનાવવામાં ઘણો બધો સમય લાગે છે માટે તમારા એક લાઇક અને એક શેરની આશા જરૂર રાખીશું। માટે આજના આ વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવા ખાસ વિનંતી। આખો વિડીયો જોવા માટે તમારો ફરીવાર આભાર। મળીએ એક નવા વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી જય હિન્દ જય ભારત।